स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 1.11। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.27 आर ईएक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, ईवाई एंड ईजेड आर 0, इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड सेकेंड पार्ट इज द चार्ज विद इन द क्यूब। एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर। हमें क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स फंक्शन पर डिपेंड कर रही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो एक्स जैसे जैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, वाई और जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए हमें वरी नहीं करना है, वाई और जेड में कंसीडर नहीं करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 800 और 800 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे। बट फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। हमें टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है और क्यूब क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो हम अगर हमें चार्ज गिवन होता तो हम फ्लक्स चार्ज की हेल्प से निकाल लेते, बट सेकेंड पार्ट में हमसे ये पूछा है द चार्ज विद इन द क्यूब, मतलब चार्ज भी हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों ही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम फ्लक्स जनरल मेथड से निकालेंगे। स्टूडेंट्स एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है। नेट फ्लक्स का मतलब होता है टोटल फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस है इसलिए क्लोज इंटीग्रल, ई डॉट डी एस। ऐसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल फ्लक्स। इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। अब हमें ये समझना है कि ई वेक्टर का मतलब क्या है। ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वेक्टर इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए दिस इज सरफेस, अगर कोई सरफेस ये हो तो ये सरफेस होगा, इसका डी एस वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो छोटा सा हमने क्या माना डीएस, उसका वेक्टर किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये हमें क्यूब गिवन है, इसमें 6 फेसेस हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, फ्रंट वाला 5th और बैक वाला 6th, 6 फेसेस हैं। तो हमें सभी के साथ लिंक होने वाली फ्लक्स को कैलकुलेट करना है और सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेस के लिए पहले इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर करने की कोशिश की है, आप उसको देखिए। देखिए, कंसीडर करते हैं, ये एक क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ, एक्स डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर कैसे लेना है? आपके 6 फेसेस होंगे, दिस वन ये सेकंड फेस है और ये सामने वाला, ये पीछे वाला, ये ऊपर वाला और इसी के बैक में नीचे वाला। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने कैसे लेनी है? ये मीनिंग डीएस वेक्टर की कैसे लेनी है? देखिए, ये क्यूब है, आप हमेशा बाहर की तरफ लेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर तो इधर भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, तो हम क्या लेंगे? बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर? ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर? सामने की तरफ। इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, पीछे की तरफ। इस सरफेस का एरिया वेक्टर राइट में और नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। सामने वाले का एरिया वेक्टर आप समझ पा रहे होंगे आई होप,
एरिया वेक्टर हमेशा किधर लेना है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ लेना है, यहां भी, ठीक है। तो अब हम फेसेस को देखते हैं, ई वेक्टर किस तरफ है, एक्स की तरफ, ठीक है, हालांकि नॉन यूनिफॉर्म है बट डायरेक्शन क्या है, एक्स। तो जब हम इन सरफेसेस को कंसीडर करेंगे, इन सरफेसेस को देखिए, ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही आप इस सरफेस के लिए बताइए, डीएस वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ऊपर वाले की देखते हैं, ये कौन है, एरिया वेक्टर, ई किधर है, एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे वाले फेस में, तो चार फेसेस तो एंगल कितना बनाते हैं 90 डिग्री, ये नीचे वाला, सामने वाला और पीछे वाला, ठीक है। अब इस सरफेस की तरफ देखिए, जिसको मैंने डायग्राम में 1 और 2 बताया है, फेस 1 का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, ठीक है, एक्स में कौन है ई, और ऑपोजिट कौन है, एरिया वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, यहां मैंने मेंशन भी किया है 180 डिग्री। और यहां पर देखिए, ये वाला जो फेस होगा, इस फेस में एरिया वेक्टर किधर है, राइट में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, राइट में, मतलब एक्स डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो कौन पार्टिसिपेट, हमें एंगल पता लग गया है सभी फेसेस के लिए, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर बाकी चारों फेसेस के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको समझा दिया है कैसे लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, फेस वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी अल्फा, एक्स कितना है, यहां से हमें गिवन है ये ए डिस्टेंस दूर है, तो एक्स कितना लिया जाएगा, ए टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ई टू मतलब फेस टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फेस टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ए डिस्टेंस ये और ए इसकी साइड, आप इसको फिर दोबारा से देखिए, ये ऐसा रखा है, ये फर्स्ट फेस है और ये सेकेंड फेस है, ये डिस्टेंस है ए और ये साइड भी कितनी है, ए, तो कितना डिस्टेंस हो गया सेकेंड फेस का 2a। डायग्राम में शायद आप ना समझ पाए बट प्रैक्टिकली आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ई टू के लिए एक्स कितना लेना है 2a, 2a टू द पावर 1/2। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब कैन बी रिटन एज फाइ ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। क्लोज इंटीग्रल का मतलब है सभी फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है। कितने फेसेस हैं हम इसमें रेगुलर मान सकते हैं, 6, तो मैंने इसको 6 में ब्रेक कर दिया, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, सिक्स फेस, आप देख सकते हो ई डॉट डी एस ई लिखा हुआ है अंदर, सबका ई लेना है, सबका डी एस देखना है, सबके बीच में एंगल देखना है, ठीक है। और जब आप इस क्लोज इंटीग्रल से फेस में ब्रेक करते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोज इंटीग्रल। तो यहां पर फर्स्ट फेस के लिए हमने वैल्यू क्या रखी, ई वन डी एस और कॉस ऑफ एंगल कितना है 180 डिग्री, प्लस सेकेंड फेस के लिए एंगल कितना है 0 डिग्री, ई टू डी एस कॉस 0। ई टू ई वन क्यों लिखा, क्योंकि दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, ऊपर हमने निकाल कर देख लिया है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कोस 90 होने की वजह से, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए फुल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये चारों तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, बट फर्स्ट और सेकंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम कैसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, माइनस ऑफ ई वन, माइनस किसकी जगह आया है, कोस 180 की जगह, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, प्लस ई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, बाकी सभी 0 हो गए। तो माइनस ई वन इन टू डी एस, देखिए फर्स्ट सरफेस के सारे डी एस को आप जोड़ दीजिए, फर्स्ट सरफेस के सारे डीएस को जोड़ेंगे तो ये पूरा एक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये स्क्वायर जिसकी साइड ए है, तो इसका एरिया कितना बनेगा जुड़कर, ए स्क्वायर। तो डीएस का इंटीग्रेशन देगा हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर,
ठीक है, प्लस ई टू इंटू सेकेंड भी फेस क्यूब का ही है तो ये भी स्क्वायर है, इसका भी एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट की, ई वन और ई टू की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, ई वन की वैल्यू ये है, ई टू की वैल्यू ये है, यहां पर हमने प्लेस कर दी। फिर ए की पावर को कंबाइन कर लिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हमने अल्फा और ए टू द पावर 5/2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा -1 + √2। रूट टू की वैल्यू भी हम जानते हैं 1.414, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, और अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 800, ठीक है, और ए की वैल्यू भी दी हुई है। तो ये सभी वैल्यू पुट करते हैं और फिर रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। वैल्यू पुट की, अल्फा की 800 है, ए की 0.1 है, यहां पर हमने वैल्यू पुट की, √2 - 1 किया, कैलकुलेशन किया, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए होता है ना, तो ई होता है न्यूटन पर कूलम और ए होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां पर बस एक चीज ध्यान रखनी है, 0.1 का पावर है 5/2, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 0.1 का पावर 5 कर लीजिए और फिर उसका रूट ले लीजिए, ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आ गया, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट हमसे पूछा कि चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालिए। चार्ज इनसाइड द क्यूब के लिए, सिंस क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, और मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि गॉस लॉ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लोज सरफेस पर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज केप्ट इनसाइड द गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस, ठीक है। तो क्यू क्या है? नेट चार्ज केप्ट इनसाइड द क्लोज सरफेस, और हमारे केस में ये क्लोज सरफेस का शेप क्या है? क्यूब। तो क्यू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं फाई इंटू एप्सिलॉन नोट, और फाई क्या है जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं, वो वैल्यू हमने प्लेस की, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू प्लेस की, सिंप्लीफाई किया और रिजल्ट आ गया 9.27 × 10⁻¹² कूलम। सो चार्ज विद इन द क्यूब इज 9.27 × 10⁻¹² कूलम। इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है ये न्यूमेरिकल आपको, अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट बहुत है, पूछा भी जा चुका है CBSE एग्जाम में, इसलिए ध्यान से कीजिए। थैंक यू सो मच।